नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में 2023 के जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि को क्या राशिफल मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। सामान्य ज्ञान, वृश्चिक राशि को एक जलीय तत्व की राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातक साहसी और एक दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते है। ये जातक फैसले लेने में देर नहीं करते है। जो फैसले लेते है उससे सहमत रहते है। ये जातक अच्छे बुरे के फर्क में बखूबी जानते हैं। इन जातकों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना करने में सक्षम होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये जातक कई बार निर्णय लेने में संवेदनशील होते हैं, जो कई बार समस्या पैदा कर सकता है। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह छठे भाव में राहु की मौजूदगी से इस राशि के जातकों को दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्पना के साथ प्रयास को जारी रख सकेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके साथ ही छठे भाव में राहु इन जातकों को स्वास्थ्य में अच्छा परिणाम देगा, लेकिन साथ ही चिंता भी इन जातकों को सता सकती है। आपके 12वें भाव में केतु की मौजूदगी का कारण मान सम्मान के साथ तनाव व मन में अशांति दे सकती है। वही इस माह बृहस्पति भी छठे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातकों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस माह केतु और बृहस्पति की प्रतिकूल मौजूदगी के चलते अनचाहे खर्चे की वजह से जातक कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। आगे इस माह शनि छोटे भाव में बैठे हैं, जिसके चलते जातक को पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वही करियर के क्षेत्र में भी कठिनाई आ सकती है, जो जातक को परेशान करेगी। रिश्तों के लिहाज से जातक को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र 10वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में है, जो पार्टनर के साथ बहस या विवाद होने की आशंका रहेगी। जुलाई का यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्र में आपको कैसा फल मिलेगा, यह जानने के लिए यह राशिफल को विस्तार से सुने। कार्य क्षेत्र, जुलाई 2023 का मासिक फल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस माह शनि आपके छोटे भाव में मौजूद हो गए, जिसके चलते जातकों को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए देरी का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपने कार्य में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, वरना काम में गलतियां होने की संभावना भी हो सकती है। इस माह छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण करियर के क्षेत्र में कठिनाइयों पैदा हो सकती है, जैसे आपको किसी महा नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी महसूस हो सकती है। कुछ जातक नौकरी के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। इस माह आपको नौकरी के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की संभावना हो सकती है। आपको एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, जिसके चलते काम में गलतियाँ होने की भी आशंका है। वही व्यवसाय के करने वाले जातकों को भी यह माह आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा है। इस माह बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसके चलते व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 12वें भाव में केतु की मौजूदगी से जातक व्यवसाय के क्षेत्र में गलत फैसले ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति, जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक जीवन में आपको इस माह मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी लाभ के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस माह बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि आ सकती है। कई बार खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। केतु 12वें भाव में और बृहस्पति छठे भाव में मौजूद होने की वजह से जातक को परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। ग्रहों की इस स्थिति के चलते कर्ज लेने की हालत बन सकती है। वही इसके साथ ही शनि छोटे भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिससे परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि की इस स्थिति के चलते जातक को सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है, और जिस वजह से जातक को अपने स्वास्थ्य के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और ऐसे में इस माह यह जातक
बचत करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इन सबके बावजूद राहु की छठे भाव में मौजूदगी थोड़ी राहत प्रदान कर सकती है। जातक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति और कर्ज के माध्यम से धन लाभ पा सकते हैं। आपके द्वारा कमाया गया पैसा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता और यह इन जातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र में जातकों को इस माह औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि और की मौजूदगी के चलते जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह व्यापार के क्षेत्र में इस माह नए सौदे व पार्टनरशिप न करें। जातक बाहरी स्रोत से व्यापार करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह राशि के जातक बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही छठे व दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति पांचवें भाव में मौजूद होंगे। बात दे कि शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद है और ऐसे में स्वास्थ्य के मोर्चे में जातक सुख सुविधाओं की कमी महसूस कर सकता है। इस राशि के जातकों को अपने माँ के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके चलते वे चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वही राशि स्वामी के रूप में मंगल दसवें भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद है और इस कारण जातकों स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वही बारहवें भाव में राशि का स्वामी केतु प्रतिकूल स्थिति में है, जिस वजह से असुरक्षितता की भावना के चलते जातक को अज्ञान भय सता सकता है। बारहवें भाव में केतु की मौजूदगी के चलते जातक को सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्या और नींद में कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकता है। प्रेम व वैवाहिक जीवन। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन के मोर्चे में इस माह आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके छोटे भाव में मौजूद है और ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह समय कुछ खास अवसर प्रदान नहीं करेगा। वही छोटे भाव में शनि की मौजूदगी रिश्ते में प्यार और आकर्षण को कम कर सकता है, जिसके चलते आपसी सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही केतु की बारहवें भाव में मौजूदगी प्यार में कमी ला सकती है। दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके चलते प्रेम के संबंध में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। छठे भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक को प्यार में आकर्षण खो सकते हैं और रिश्ते में असुरक्षितता की भावना महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस माह विवाह करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो इसे थोड़ा टाल दें, क्योंकि इस माह विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह माह कुछ खास परिणाम देने वाला प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में भी खुशी की कमी महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार जातकों को पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम है, क्योंकि इस माह बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद है। वही चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि की मौजूदगी बेवजह की बहस के कारण परिवार में समस्या पैदा कर सकती है। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते इस माह परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद बढ़ सकता है। इसके साथ ही बारहवें भाव में शनि बैठे हैं, जिसके कारण परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं। मंगल दसवें भाव में राशि के स्वामी के रूप में मौजूद है, जिसके चलते परिवार में खुशी का वातावरण बना रह सकता है और परिवार में चल रही समस्या से भी आपको थोड़ी राहत मिल सकती है है। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी परिवार में सदस्यों के बीच वाद विवाद पैदा कर सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना ओम केतवे नमः का जाप करें।